सर नमस्कार, आपका स्वागत जिंदगी न्यूज़ में स्वागत है। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम रामकिशोर है सर। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और मेरे मथुरा गांव का नाम है कमल बरसाना। सर आपकी समस्या क्या है? सर मेरी घरवाली ने और उनके परिवार वालों ने मेरी ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है क्या सर। उन्होंने मेरे पे आज झूठा तो केस डाल दिया है और उसके अलावा प्रशासन से वो बात हुई, मैं महिला थाने वो गया तो महिला थाने वालों ने मेरे से सवाल पूछे तो मैंने जवाब भी दिए। जवाब देने के बाद उनका पता पड़ा कि ये झूठा केस है तो उन्होंने अभी तक फिर मेरे घर पे आके वो कर रहे हैं। सर, पुलिस प्रशासन का आपके प्रति क्या व्यवहार है? सर वो तो बस यही कहते हैं कि लेके जाना चाहता है क्या। मैंने हाँ हाँ कह दिया कि मैं लेके जाना चाहता हूँ तो उन्होंने फिर डेट दी कि हाँ तुम इस डेट पर ले जाना। तो मैं गया ससुराल गया तो उन्होंने मारपीट पर तैयार हो गए पर वो उन्होंने भेजी नहीं। फिर मैंने उनका फ़ोन करा महिला थाने, उन्होंने नंबर दिया था। जी सर, नंबर देने पे यार उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, यदि यहाँ होते तो हम समझाते। फिर उसके बाद फिर दूसरी तारीख पे वो गए जी वो भी सर, समझाया, फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ हम चले जाने को तैयार हैं। सर आपकी मिसेज क्या चाहती है? मैसेज सर वो कुछ ये ही नहीं जवाब देना चाहती, बस उनके सामने कह देती है कि हाँ मैं जाऊंगी और बाद में और फिर उनके घर वाले? सब यही वो धमकाते हैं कि मारपीट के लिए मेरे गांव में भी हमला कर दिया 2 बार। मेरे को फरीदाबाद में भी गाड़ी लेके अरे बहुत लोगों के साथ कम से कम 10 लोग थे ये यार आके मेरे पे हमला करा। मैं उस टाइम कंपनी गया हुआ था, तो सर आपने इसको प्रशासन को सूचना दी? मैंने बताया था सर उनको कि ऐसे ऐसे कर चुके हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ गलती तुम्हारी है। सास को बताया कि हाँ इस गलती तुम्हारी है, तुम कैसे गए इसके घर, तो उन्होंने फिर चुप हो जाते हैं इसके जी हम भेजने को तैयार हैं। फिर आप वो तारीख पर गए तो उन्होंने झूठा लगा दिया कि लड़का की तबीयत खराब है तो जी उन्होंने मेरे को भेजा महिला थाने वालों ने कि तू जा ससुराल देख के आ। देख मैं गया तो वहाँ लड़का सही था और वहाँ फिर उन्होंने माँ की बहन की गाली देना शुरू कर दिया, साले ने मारने के लिए तैयार हो गया मेरे को। सर आपका पुलिस प्रशासन का आपके प्रति व्यवहार कैसा रहा है? सर वो कुछ यार बस उनको ये लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये केस झूठा है फिर भी वो कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए आगे आपने क्या सोचा है? सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मेरी फैमिली मेरे आ जाए, मैं बस यही चाहता हूँ कि आपकी आपकी मीडिया ये मेरा सपोर्ट करे और मेरे परिवार को। सर इंसाफ तो हम दिला देंगे, लेकिन आपका कहीं भी हस्तक्षेप तो नहीं है गलत? नहीं सर ऐसा कोई